Assalamu alaikum. Thank you, Qayyum Saab. Qayyum Saab is always very kind and generous in his praise for other lawyers. What he's doing right now is unprecedented, and it is a fantastic opportunity for all of us to learn. Bar councils 1973 onwards, mera khayal hai hamara act hum kaam kar rahe hain, but there is nobody like him. Qayyum Saab can correct me, but I think there are 72 members. I have 75. I am an apolitical person, so I can say it. So you can just imagine the 74 on one side and Qayyum Saab, the Superman, on the other side. This is fantastic. और जिस तरह मैं अभी इधर आया हूँ, इन्होंने रिक्वेस्ट किया, वी आर ऑल वेरी बिजी लॉयर्स, और क़य्यूम साहब हमारे से भी ज़्यादा बिजी वकील हैं. एंड आई एम श्योर नो फॉर अ फैक्ट दैट ही इज़ डूइंग इट एट अ ग्रेट पर्सनल एक्सपेंस, और के क्लाइंट इंतज़ार करें हम यहाँ से, एंड एट अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द फैमिली इज़ वेल, बिकॉज दिस ऑल दिस टाइम आइदर ये काम करते या फैमिली को देते. सो ही इज़ डूइंग इट फॉर अस एंड फॉर ऑल ऑफ यू. आई विश के जब मैं आप लोगों की एज में था तो कोई क़य्यूम साहब जैसे बार काउंसिल के मेम्बर्स होते. सो एक ऑफ द टॉपिक लास्ट, आई जस्ट मेक वन पॉइंट कि जब क़य्यूम साहब जैसे बंदे इलेक्शन लड़ें तो फिर इनकी सपोर्ट हम सबको करनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि तिक्के किधर लग रहे हैं या बिरयानी कौन खिला रहा है. अगर वो जो तिक्के और बिरयानी खा के वोट देंगे तो वो फिर ये काम नहीं करेंगे. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी बार का कि हम लोग नारे मारते हैं, कंधों पे उठा लेते हैं. क़य्यूम साहब जैसा बंदा अगर आए इलेक्शन लड़ने तो इनको वोट ही नहीं मांगना चाहिए, इनको घर आके वोट लोगों को देना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ वी डोंट ब्रिंग पीपल लाइक हिम फॉरवर्ड. मैंने इनसे कई दफ़ा बात की कि सर आपकी इतनी अच्छी वकालत चल रही है, आपको तो इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं. मोस्ट पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस दैट आई हैव कम अक्रॉस के वकालत चला लेते हैं. इनकी नाम भी बहुत बड़ा, वकालत भी बहुत बड़ी, बल्कि ये जब ये काम करते हैं थोड़ी कम हो जाती है इनकी वकालत, बिकॉज ये आप लोगों के ऊपर सारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं. तो बट द पैशन दैट इज़ इन हिम, और ये इनक्रेज करते हैं बहुत से लोगों को. मुझे भी इन्होंने कई दफ़ा कहा कि आप, मैंने कहा सर मैं ही काम नहीं कर सकता, हम कॉर्पोरेट कमर्शियल वकील हैं, आप भी कॉर्पोरेट कमर्शियल वकील हैं, हम तो बाय द आवर हिसाब करते हैं. बट हैट्स ऑफ फॉर हिम एंड बिग क्लैप फॉर हिम. मैंने तो लाहौर, आप ऑलरेडी प्यार करते हैं, मैंने लाहौर के अंदर टॉक किया था 95 के अंदर से कैंडिडेट्स के अंदर से. वो है हमारा प्रोफेशन इसलिए ज़बरदस्त नहीं हो रहा कि उस सलमान कानूनदान पीछे बैठा हुआ और हारिस अजमत बैठा हुआ, ये हमारे प्रोफेशन के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ते, और हमारे प्रोफेशन के अंदर अपना वक्त वगैरह तो दे रहे हैं, बट जब इलेक्शन लड़ोगे नहीं है तो फिर उसके बाद बीच में इस चीज़ की बात वगैरह करना. हाथ हमारे स्ट्रॉन्ग करो, अदरवाइज मुझे कल अकेले को ही करना पड़ता है. लेक्चर दीजिए सर. आई कंसीड, मतलब वी आर ऑल वेरी सेल्फिश इन दैट कॉन्टेक्स्ट के पैसा भी बना रहे हैं, नाम भी बना रहे हैं, लेकिन वी नीड टू गिव बैक. अच्छा जी, टॉपिक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आप कोई भी केस उठाएं ना तो 10% केसेस ऐसे हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें आप नहीं जीत सकते, चाहे टॉप नॉच मखदूम अली खान आ जाए या क़य्यूम साहब आ जाए. 10% केसेस ऐसे होते हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें आप हार ही नहीं सकते. यू हैव सच अ फैंटास्टिक केस, अनलेस कि आप जज साहब से कोई हाथापाई ना कर लें, यू कैन नॉट लूज़, यू जस्ट हैव सच अ फैंटास्टिक केस. बट 80% केसेस ऐसे हैं दैट कैन गो आइदर वे, एंड ऑन दैट आपकी प्रेपरेशन और आपके आर्ग्यूमेंट्स देन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. बिफोर वी गो ऑन एंड आई डिवाइड माई टॉक एंड आई कीप इट वेरी शॉर्ट इन टू टू पार्ट्स. वन पार्ट इज द प्रेपरेशन फ्रंट, जो आपने दफ्तर में करनी है, एंड द अदर पार्ट इज कि जब आप रोस्टर पर पहुँच जाते हैं. बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स हम सिर्फ समझते हैं कि जो रोस्टर पे जाके जज साहब के पास आपने 4-5 मिनट बात करनी है, दैट इज़ इट. लेकिन उस 4-5 मिनट के अंदर जो प्रिपरेशन है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि वो 4-5 मिनट क्या बात करनी है आपने. और एट टाइम्स होता क्या है, एट टाइम्स नहीं ऑल द टाइम,
judges have read your file. So sometimes if you have a well-drafted appeal, a well-drafted plaint, the judge, jab, at least the superior court judge, jab padh kar aata hai, to he's already made up his mind. Supreme Court ke andar to maine dekha, I've been an advocate of the Supreme Court for the past 6 years now, ke judges puri file cover to cover padh ke aate hain. Seedha aapko wo kehte hain page number 210 pe aa jaye, zara is baat ka jawab de dein. You have the answer, leave grant ho jayegi. You don't have the answer, udhar hi khatam ho jayegi. Patience level itna nahi hota ki udhar hi aap pages flip kar sakein. So I'll share my personal experience. I'm a first generation lawyer. I was one of the youngest advocates of the Supreme Court when I got the license in 2016. Wakalat ek bada zabardast profession hai. Iske andar aap mehnat kare to sky is the limit. It's just like a business. Koi tankha nahi hai ki at the end of the day aapko aap roz paise bana sakte hain aur rightly paise bana sakte hain. Before we begin, mera jo recently jo legal favorite show hai na wo Suits hai. I don't know agar aap logon ne dekha hai ki nahi. Most lawyers ज़बरदस्त किस्म के programs देख के हम वकालत में आ जाते हैं, फिर जब हम civil court जाते हैं तो देखते हैं कि यार जो फिल्मों में और जो Boston Legal में होता था वो यहाँ पर नहीं है. अच्छा, Suits के अंदर ना एक top notch lawyer है जो सारे cases जीत जाता है और वो उस program का hero है, उसका नाम है Harvey Specter. मुझे भी बड़ा पसंद है. तो उसके कुछ चार पांच कोर्ट्स हैं जो उस प्रोग्राम के, पहले मैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आई जस्ट लाइक टू शेयर देम विद शेयर दोज विद यू एंड देन वील मूव फॉरवर्ड के एक्चुअल हमने करना क्या है. पहले ही सीरीज में ना पहली जबरदस्त बात क्या कहता है, वो कहता है लाइफ इज दिस आई लाइक दिस. इसका क्या मतलब है, लाइफ इज दिस आई लाइक दिस, व्हाट डज दिस मीन. वो एक्शन से वो कहता है लाइफ इज दिस And I like this. इसका क्या मतलब है कि अगर स्टैंडर्ड ये है ना तो I like this. So this is what I believe in too. कि यार अगर बेसिक स्टैंडर्ड से चले ना तो मारे जाएंगे. So if the standard is this, एक आम वकील 8 घंटे काम करता है तो मैंने 16 घंटे काम करना है. I was as a first generation lawyer, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जजेस को जो बड़े नाम नहीं थे उनके सुसर बहुत बड़े बड़े जजेस या वकील. आई वॉज नो बडी इन द प्रोफेशन, सो आई कुड जस्ट डू वन थिंग इन द प्रोफेशन, दैट वॉज टू वर्क हार्डर देन एवरीबडी एल्स. ये मैं कर सकता था. केस है या नहीं है, एक भी केस आया है तो दिन रात उस पर काम करना है. सो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं ना, यू हैव टू रेज द बार. अगर आप बार रेज कर लेंगे, मेहनत करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, जितने अगर जिस तरह आपकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो आप सिर्फ एक चीज से पूरी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, मेहनत करके. अगर आप अंग्रेजी बेहतर नहीं लिखते तो आपने मेहनत करनी है. यार मैं क्यों बेहतर अंग्रेजी नहीं लिख सकता, मैं क्या करता हूं, मैं डॉन अखबार पढ़ लेता हूं, मैं द न्यूज अखबार पढ़ लेता हूं. अखबार के अंदर मुश्किल लफ्ज आते हैं, मैं वो पढ़ लिखता हूं. सो अनलेस वी डोंट प्लान कि वी हैव टू रेज द बार, बस मैं यही हूं और मैं अब बेस्ट मान गया हूं, तो फिर तो हम फारिग हो गए. सो पहला तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोटो है दैट यू मस्ट बिलीव कि यू हैव टू रेज द बार. दूसरा वो हार्वी स्पेक्टर, ऑल्दो फिल्मों में कहता है बट एक्चुअली इट अप्लाइज इन एवरीडे लाइफ. वो कहता है आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई हैव गोल्स. सो वी हैव टू सेट गोल्स. आपको पता है इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताता हूँ, व्हेन आई बिकेम एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट इन टू, मैं बार करके आया 2006 में, मुझे एग्जेम्पशन मिल गई 2007 में. तो मैंने तब से प्लान किया कि यार 10 साल बाद आई एम गोना बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 2007 उस वक्त 10 साल होता था. 2017 मैंने सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है. वो कैसे बनते हैं, 2007 में एक बच्चा जिसके पास एक भी केस नहीं है हाई कोर्ट का, बट आई हैड पर्सनली सेट अ गोल के 2017 के अंदर आई एम गोइंग टू बी एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वो हुआ क्या कि 2006 में पता ये लगा कि उन्होंने 7 साल से 7 साल कर दिए रिक्वायरमेंट. मेरे तब 8 साल हुए थे. मैंने अगले दिन अपनी फाइल जमा करा दी. व्हाई, बिकॉज आई न्यू कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए आपको 20 डिस्पोज्ड ऑफ केसेस चाहिए. मैंने तो पहले ही पता किया हुआ था. मैं अपने पूरे कर रहा था कि यार मेरे किसी तरह 20 हो जाए. और आई फाइल बिकॉज दैट वॉज अ गोल दैट आई हैव सेट. So unless you can set short-term goals, you can set long-term goals. But if you don't set goals in the profession, then you can never reach them. आपने अपने टारगेट करना है कि यार मेरा 3 साल का गोल ये है, 5 साल का गोल ये है,
10 साल का गोल ये है, 50 साल का गोल ये है. सो वैसे वो एक मुहावरा है कि दोज हु ड्रीम हाई फ्लाई हाई. आप प्लान ही नहीं करेंगे तो जाएंगे किधर? व्हाई कैंट यू प्लान टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? इफ यू डोंट प्लान इट, आप कहीं पहुंचेंगे ही नहीं. प्लान ही आपका ये होगा कि यार मैं बस एक एवरेज से वकील बन जाऊं, तो आप उससे भी बिलो एवरेज बन जाएंगे. तीसरी, व्हेन यू आर बैक्ड अगेंस्ट द वॉल, वो कहते हैं ब्रेक द डैम थिंग डाउन. इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा. ये ना हो कि अभी आप जजेस को कुर्सियां उठा के मार दें. दैट डजंट मीन के लिटरली यू हैव टू ब्रेक द वॉल डाउन. अगला एक जो मोटिवेट्स विनर्स, डोंट मेक एक्सक्यूजेस. एंड द लास्ट वन इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये बड़ी दफ़ा मैंने अपने मुखालिफ वकला को रोस्टर पे भी कहा, ये ताना हल्का सा मार दिया जब वो गुस्से में आ गए, कि डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट. सो व्हेनेवर आपने देखा है कि समबडी इज रेज देयर वॉइस, वो क्यों किया उन्होंने वॉइस रेज? बिकॉज दे डोंट हैव एन आर्ग्यूमेंट. इफ़ यू हैव अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट और जज आपके साथ चल रहा है, वाई वुड यू रेज योर वॉइस? विच जज लाइक्स इट? कब ऐसी बात हुई है कि आपने जज को कहा ये करना है, ये करना है, ये करा के दिखाएं और आपको काम मिल गया हो? कयूम साहब मुझे कहें कि आओ ऐसी की तैसी लेक्चर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. मैं दूंगा लेक्चर आके, कभी भी रिलीफ नहीं दूंगा. तो यू हैव टू नेवर रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ अ जज. इफ़ यू डू इट, वो तो माँ बाप नहीं मानते. बच्चा जो बदतमीजी कर रहा होता है, जो बच्चा प्यार से बात कर रहा होता है, उसकी माँ बाप भी शायद बात मान लेते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग बैक टू द एक्चुअल थिंग, केयर वकालत के अंदर देर आर ओनली टू थिंग्स. वन इज केस प्रिपरेशन, द अदर वन इज आर्ग्यूमेंट्स. तीसरी तो कोई और वकालत में बात है नहीं, इट्स एज सिंपल एज दैट. तो सबसे पहले अगर हम केस प्रिपरेशन पे आ जाएं, तो एक बड़ा मशहूर मुहावरा मशहूर है. मुझे आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द हिस्ट्री बिहाइंड इट, कि एग्जैक्ट किसने कहा था. कुछ लोग कहते हैं कोई ग्रीक वकील था, कोई ग्रीक जज था, ये दिस इज अ ग्रीक सेइंग, कोई कहते हैं फ्रेंच है. आई डोंट नो द बेसिक्स, बट आई रियली बिलीव इट. वकालत के अंदर देर आर थ्री स्टेप्स. अच्छा, कोई भी केस करने के लिए, हर केस के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है और इसी प्रायोरिटी के साथ है, वो है नो दाई फैक्ट्स. फैक्ट्स जो है ना, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक जज के पास 50 केस लगे हुए हैं, 100 केस लगे हुए हैं, आप तो एक फाइल लेकर गए हैं. अगर पूरे कमरे के अंदर आपसे ज्यादा फैक्ट्स अगर किसी और को पता है, तो आप फारिग वकील हैं फिर. अगर जज को आपकी फाइल, उसके पास 100 फाइलों में से भी आपकी फाइल आपसे ज्यादा पता है, तो आप फारिग हैं फिर. सो लॉ आता है या नहीं आता, फैक्ट्स तो आप पहुंचे. मैं अपने क्लाइंट्स को क्या कहता हूं, आई टेल माई क्लाइंट्स कि वंस यू टेल मी योर स्टोरी, अभी तो आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, बट बाय द एंड व्हेन आई गो टू द रोस्टर, आई मस्ट बी नोइंग योर फैक्ट्स मोर देन यू. कि आपके दादाजी कहाँ पे पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके खसरा क्या है, उसकी गिरदावरी क्या है, एवरीथिंग आई मस्ट बी नोइंग मोर देन यू. अगर आपको ज्यादा पता है तो फिर मैं फारिग हूं. अगर आपने आके कान में मुझे पीछे से बताना है ना उस वक्त फैक्ट्स, तो देन आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, देन आई एम नॉट ए गुड लॉयर. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये देखा है कि अगर आप जजेस को अच्छी तरह तैयारी के साथ सिर्फ फैक्ट्स बता देना, यू वॉन 90% ऑफ योर केस. एंड यू हैव टू टेल इन एवरी केस, स्टार्ट ऑफ ही कहाँ से होता है मामला, यू जस्ट टेल द फैक्ट्स टू अ जज. इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं तो चाहता ये हूँ कि वो कुछ ऐसे जजेस होते हैं जो फाइल कवर टू कवर पढ़ के अपना माइंड मेकअप कराते हैं, बट देर आर अदर जजेस वो फाइल थोड़ी सी पढ़ते हैं लेकिन माइंड मेकअप नहीं करते. आई वुड वॉन्ट द जज कि वो कॉपी पेंसिल उठाए, अपना नोट पैड उठ पकड़े और मुझे कहे कि आप फैक्ट्स बताएं. देन आई कैन टेल द जज द फैक्ट्स एज आईड लाइक टू टेल द जज द फैक्ट्स. कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जज साहब ने एक सवाल पूछा, स्पेशली सुपीरियर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वकील साहब को पेज नंबर ही नहीं पता, फ्लिप हो रहे हैं वहाँ पे, 15 मिनट लग गए हैं सिर्फ पेज ढूंढने के अंदर, केस आपका वहीं ख़त्म है. जज का वहीं इंप्रेशन ये है कि वकील तैयार ही नहीं है. इसका मतलब अब ये जो मुझे बात बता रहा है ये कोई ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है. सो कानून आए या ना आए वो तो बहुत दूर की बात है, फैक्ट्स तो आपने समझने हैं ना. फैक्ट्स तो आप क्या मुंजी भी समझ सकते हैं. फैक्ट शीट आपके पास होनी चाहिए, पेज नंबर्स नोट होने चाहिए, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केस यू मस्ट नो इनसाइड आउट. अगर 2000 पेजेस की फाइल है तो आपने 2002 पेज पढ़े हो, एक पेज कम ना पढ़ो. उस वक्त जज ने आपको कहा, आपको अपने केसेस की वीकनेस भी पता होनी चाहिए, फैक्चुअली आपको स्ट्रेंथ्स भी पता होनी चाहिए.
दूसरी बात लॉ से भी ज्यादा जरूरी इज नॉट नॉट द लॉ इज द जज स्पेशली इन द सुपीरियर कोर्ट्स कि वो किस किस्म का जज है. उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाट आई डू इज कि व्हेन आई गो बिफोर अ हाई कोर्ट जज और अ सुप्रीम कोर्ट जज आई ट्राई टू फाइंड देयर ओन जजमेंट्स कि यार इसने पहले इस टॉपिक पे क्या कहा है. जितने मर्जी बड़ा जज हो छोटा जज हो एवरीबडी लाइक्स के उसका अपना प्रेसिडेंट कोर्ट होना चाहिए. कुछ जजेस हैं उनको शेर शायरी का शौक है, कुछ जजेस हैं उनको क्रिकेट का शौक है. सो इफ़ यू नो अ बिट अबाउट अ जज, अब तो काफ़ी अपीयरेंस हो गई है तो ऑलमोस्ट हर जजेस का टेम्परमेंट पता है कौन जज किस तरह है. बट इनिशियली इफ आई गो बिफोर अ न्यू जज आई यूज टू सिट इन द कोर्ट अ डे बिफोर. अ लॉट ऑफ सीनियर लॉयर्स हैव डन दैट कि यार ये जज किस किस्म का है, इसका टेम्परमेंट क्या है, इसको पसंद क्या आता है, किस तरह बात करो. कई जजेस फॉर इंस्टेंस लिटिल थिंग्स, कई जजेस डोंट लाइक देयर रोस्टर टू बी क्राउडेड. आप छह जूनियर्स लेके खड़े हो जाए तो जज इंटिमिडेट हो जाता है, कहते पीछे भेज दें इनको. देर आर अदर जजेस हु लाइक इट. देर आर सो छोटी लिटिल थिंग्स लाइक दैट यू नीड टू नोट किस जज को क्या पसंद है. सो इफ यू डोंट एनॉय अ जज देर आर चांसेस बिकॉज हमारे एटलीस्ट ऑन द सिविल कॉर्पोरेट कमर्शियल साइड एंड एट टाइम्स इवन ऑन द क्रिमिनल साइड व्हाट यू सी इज 90% रिलीफ इज डिस्क्रेशनरी. इंटरिम रिलीफ्स हैं, स्टे है, इट कैन गो आइदर वे. सो इफ थोड़ा सा आप जज के साथ चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन जजेस इफ देर आर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड यू इंटरप्ट दे हेट इट. देर आर एक जज साहब थे विदाउट टेकिंग हिज नेम, अगर आपने उनका नाम के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं सो इट विल रियली अनॉय हिम. सो लिटिल थिंग्स लाइक दैट कि मोहम्मद ओ से लिखना है या यू से लिखना है वो आपने देर आर these little things count especially जब आपने discretionary relief लेनी है. You have 2 minutes to impress the judge. It can go either way, 1 minute or 2 minute. वो कहेगा जी status को admit notice stay. These are the three most वो वैसे कहते हैं कि three most magical words are I love you. But वकील के लिए appellate के लिए three most magical words are admit notice stay. कहानी खत्म है. रेगुलर फर्स्ट अपील में 3 लव्स लिखते हैं, दैट्स अबाउट इट. दीज आर द 3 मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स दैट आई हैव हर्ड एवर. तीसरा एस्पेक्ट फॉर ऑफ कोर्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट इज नो दाई लॉ. अगर आपको लॉ ही नहीं आता और स्पेशली जो आप ब्रीफ लेके जा रहे हैं उसके ऊपर आपने अगर टू बिगेन विद सारा स्टैचू नहीं पढ़ा हुआ, उसके नीचे सारा केस लॉ नहीं पढ़ा हुआ, अगर उस स्टैचू में कोई अमेंडमेंट्स हैं वो सारी आप अपडेटेड नहीं है, कस्टम्स में टैक्स में तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स होती हैं, तो आप सो दीज आर द फॉर केस प्रिपरेशन पे भी हम एग्जैक्ट प्रैक्टिकली भी आते हैं. बट दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड. अगर इन तीनों में से आपने एक काम करना है तो बस फैक्ट्स पढ़ के चले जाएं. फिर वो एज द सेइंग गोज के द लॉ द जजेस वेयर द लॉ ऑन देयर स्लीव्स. अ फ्रेंड ऑफ माइन द अदर डे वाज टेलिंग मी जजेस वेयर शॉर्ट स्लीव्स नाउ बट द लॉ इज वॉन बाय द जजेस ऑन देयर स्लीव्स. When it comes to case preparation, so सबसे पहले जो important aspect क्या है, we must know all the facts. तो facts के अंदर facts बताने के लिए सबसे बड़ा माहिर बंदा कौन है? आपका अपना client. Clients को पहली meeting में बहुत अच्छा लगता है उनकी 2 घंटे आप बात सुन लें. Just yesterday a client came to me and he had a dispute which starts off from 2011 जब उसने company बनाई थी. लेकिन उसने मुझे फैक्ट्स बताना शुरू कर दिए 1958 में जब उसके दादे ने पहली दफा कारोबार शुरू किया था. दोज वर ऑल इररिलेवेंट फैक्ट्स बट क्लाइंट्स लाइक इट कि हमारी बात सुन ली. बाय द टाइम ही वेंट आउट ही वाज वेरी हैप्पी. उसने कहा जी पहली दफा किसी वकील ने मेरे से इतनी लंबी बात सुनी, आई एम सो ग्लैड कि आप मेरे वकील हैं. हालांकि वो इररिलेवेंट थे फैक्ट्स. रिलेवेंट फैक्ट्स भी निकालने हैं आपने, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज व्हेन द क्लाइंट कम्स टू यू लेट हिम स्पीक हिज हार्ट आउट अनलेस यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. उसको उसकी कहानी सुनने हो सकता है उसके अंदर से कोई रिलेवेंट बात भी पता लग जाए, लेकिन उसकी तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने अपनी सारी स्टोरी बता दिया. वंस ही टोल्ड यू हिज स्टोरी देन यू नीड टू वेरीफाई बिकॉज जब आप प्लेंट लिख रहे हैं तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है. जज वो क्लाइंट आपको कोई भी अपना वर्जन कहानी सुना देगा बट इज दैट स्टोरी कॉरोबरेटेड, इज दैट स्टोरी बैक्ड अप फ्रॉम द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, दैट यू नीड टू चेक. वो कह रहा है मैं मालिक हूँ जी इस प्रॉपर्टी का, तो मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट दिखाया मालिक ने, डॉक्यूमेंट है ही नहीं. तो ही इज नॉट दी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ही जस्ट हैज एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी. देन एज बैकअप करके लॉ आपको पता लगेगा एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट अ टाइटल डॉक्यूमेंट. उसकी तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना था, वो उसने किया ही नहीं, 3 साल गुजर चुके हैं, नाउ देयर इज अ लूप होल इन द केस. सो बिकॉज क्लाइंट जो मर्जी फैक्ट्स आपको बता दे
बट इट्स एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वंस हु इज देयर इन फ्रंट ऑफ अ जज. यू नीड टू नो कि वो फैक्ट्स ठीक भी हैं कि नहीं है. जो मैं हमने पहले बात की कि वंस यू आर इन द कोर्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट नो वन एल्स इन दिस कोर्ट रूम इंक्लूडिंग योर क्लाइंट इंक्लूडिंग द जज शुड नो मोर फैक्ट्स देन यू आर. एंड आपने ये देखा होगा कि मोस्ट केसेस टर्न ऑन द फैक्ट्स. अगर आप जज को फैक्ट्स अपने वर्जन के हिसाब से बता देंगे करेक्टली यू कैन ईजिली विन दैट केस. वंस यू नो द फैक्ट्स देन द अदर एस्पेक्ट कम्स इन दैट यू मस्ट नो द लॉ. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी हमने एग्जाम्पल दी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गया. मैं जब केस तैयार करता हूँ ना तो मेरे अंदर आई हैव एन इंक्विजिटिव माइंड. मैं तो अपने मैं हर चीज को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि वकालतनामे पे 5 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगती है तो क्यों लगती है. मुंशी कहता है जी बस 5 रुपए की लगती है. बट आई वुड ऑलवेज आस्क हिम एटलीस्ट वंस कि भाई क्यों लगती है, किधर लिखा हुआ स्टैंप एक्ट के अंदर के वकालतनामे पे 5 रुपए की ड्यूटी लगेगी. कोर्ट फी 15,000 रुपए की क्यों है, कब कोर्ट फी 6,500 रुपए होगी, ये किधर लिखा हुआ है. एड वॉलरम कोर्ट फी फीस लगनी है सेक्शन 7 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट के अंदर. एड वॉलरम कोर्ट फी क्या होती है. ये चीजें ऐसी हैं जो एक एक दफा आप जान लेंगे तो उसके बाद आपको जानने की जरूरत नहीं है. बट लॉ के ऊपर ग्रिप अगर आपकी नहीं है तो फैक्ट्स के बाद तो केस टर्न होना है लॉ के ऊपर. सो एक दफा अगर आपके पास लेट्स से आ गया है कोई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कंपनी लॉ में कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर का केस आ गया, तो गेट ऑल द लॉ इन द फील्ड ताकि अगली दफा जब कोई मामला आएगा तो फिर आपको दोबारा उतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी. और जब क्लाइंट आपके सामने आएगा उसी तरह का मिलता जुलता केस लेके तो आप उसको उसी वक्त इंप्रेस करने के काबिल हो जाएंगे. कोई 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी बता देंगे उसे. क्लाइंट्स भी बड़े तेज होते हैं, अकलमंद होते हैं, कई दफा 4 वकीलों से मिलकर आपके पास आए होते हैं. सो वंस यू नो द फैक्ट्स, अगर आपने रिसर्च नहीं की, हमारा सारा जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड सिस्टम है. सिमिलर केसेस हैव टू बी डिसाइडेड इन अ सिमिलर मैनर. आर्टिकल 189 कहता है आइन का कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट्स. एट टाइम्स हाई कोर्ट के जज साहब नहीं मान रहे होते, यू गिव देम अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड से कि सर ये आपके ऊपर बाइंडिंग है. जो आर्टिकल 201 हमारे आइन का क्या कहता है कि द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट आर देन बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स. अगर आपके पास एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जजमेंट है कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का जज ना माने उसको. और अगर नहीं मानेगा दिस विल बी योर फर्स्ट ग्राउंड ऑफ अपील कि जी इसने तो फॉलो ही नहीं की जजमेंट. कई जगह तो हम लिखते हैं दिस इज एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अगेंस्ट द सिंध हाई कोर्ट जजेस कि हमारी ये जजमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे, दिस इज अ कंटेम्पचुअस डिसरिगार्ड ऑफ आवर जजमेंट्स. जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जमाने में अ फ्यू ईयर्स बैक कहा था कि रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो सकती इन सर्विस केसेस, सर्विस ट्रिब्यूनल जाएं, सिंध हाई कोर्ट फिर भी सिविल सूट्स एंटरटेन कर लेता था. तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जजमेंट 180 आर्टिकल 189 की ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है सिंध हाई कोर्ट. तो यू कैन सो यू कैन नॉट इंटिमिडेट बट यू कैन इंप्रेस द जजेस इफ यू हैव अ लॉट ऑफ केस लॉ. बिकॉज अगर आपकी बात नहीं, बिकॉज जब आपके पास बहुत सा केस लॉ होगा आप जो बात कर रहे हैं, कई जगह मेरे कॉलीग्स मेरे दोस्त हु वर्क विद मी वो आके कहते हैं सर यही लॉ है. तो मैं उनको कहता हूँ यार जब तुम हमजा जे हो गए ना, जब तुम्हारे नाम से जे लग जाएगा तो फिर जो तुम कहोगे वही लॉ है. अभी मुझे बताओ किन जे साहब ने ये ऑलरेडी कहा है. तुम कह रहे हो हाँ जी सर ये तो बेसिक बात है, यही कानून है. तो मैं तो किताब में से दिखाओ, दिखाओ किस जजमेंट में ये बेसिक बात लिखी हुई है. तुम्हारे कहने से तो नहीं बेसिक बात बन जाएगी ना मेरे कहने से. जो जज की अल्फाज हैं उनके कहने से लॉ बनेगा. सो ग्रिप ऑन द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब लॉ के ऊपर ग्रिप के अंदर ना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो वकालत में दो ही चीज़ें हैं सिर्फ, तीसरी मेरे हिसाब से कोई चीज़ ही नहीं है. बोल हर बंदा कुछ ना कुछ करके देता ही है रोस्टर के ऊपर. कई दफ़ा जजेस सुनते हैं कई दफ़ा नहीं सुनते. अगर आप ड्राफ्टिंग के माहिर हैं ना तो यू हैव वॉन 90% ऑफ योर केस. जितने बड़े वकील आप उठा के देख लें, क्रिमिनल इज एन एक्सेप्शन, कॉर्पोरेट कमर्शियल सिविल साइड के ऊपर उनकी ड्राफ्टिंग बहुत जबरदस्त होगी. ड्राफ्टिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. सो अनलेस यू आर नॉट गुड और आपने इंप्रूव करना है, हर बंदा लॉ स्कूल से पहले दिन ड्राफ्टिंग इंप्रूव नहीं कर सकता. कई दफा आप अपनी ड्राफ्टिंग इंप्रूव करते हैं अपोजिंग वकील साहब को देखकर. अभी मंडे को एक केस कर रहे हैं, आई एम अगेंस्ट सलमान राजा साहब, तो आई रेड हिज प्लेंट. मैंने कहा बड़ा जबरदस्त इन्होंने ड्राफ्ट किया.
कल को मैं एक उस तरह का केस कर रहा हूँ, आई माइट यूज दैट इन माई केस. सो ड्रा, क्योंकि जज जो होता है ना वो आपका, और सिविल साइड के ऊपर तो आपको वो बेसिक लॉ पता होना चाहिए, आप तो एविडेंस भी लीड नहीं कर सकते बियॉन्ड योर प्लीडिंग्स. एक बेसिक लॉ है सिविल का कि यू आर बाउंड बाय योर प्लीडिंग्स, जो प्लीड कर दिया, जो लिख दिया, उसके बाद तो एविडेंस भी लीड नहीं हो सकता. तो ड्राफ्टिंग इज द की. कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते स्टेनो को पकड़ा ड्राफ्ट. मैं तो आज तक खुद टाइप करता हूँ. स्टेनो वाले दौर अब खत्म हो गए हैं. पुराने दौर थे कि स्टेनो आएगा, ड्राफ्ट लिख दो, कॉपी पकड़ी और कर दिया. अनलेस एक एक लफ्स दिमाग लगा के अब खुद बैठ के रातें लगा के एक ड्राफ्ट नहीं कर सकते. सो मेजर अपनी वकालत जो थोड़ी बहुत चली है वो सिर्फ वन ऑफ द रीजंस है कि मैं ड्राफ्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ. 10-10 दफ़ा ड्राफ्ट को दोबारा पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पॉइंट्स डालता हूँ, डिटेल्स डालता हूँ. अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आप ड्राफ्टिंग के ऊपर ही ध्यान कब दे सकते हैं अगर आपको लॉ भी पता है. कई लोग क्या करते हैं, फाइल पिटिशन फाइल कर दी, उसके बाद रिसर्च करना शुरू की, तो फिर कोई नया पॉइंट जेन में आ गया, कोई जजमेंट आ गई, तो आप डाल ही नहीं सकते अंदर. सो यू नीड टू रिसर्च फर्स्ट एंड देन ड्राफ्ट. अच्छे, जितने अच्छे टॉप नॉच लॉयर्स हैं, मखदूम अली खान साहब हैं, उजैर भंडारी हैं, मोहम्मद कयूम साहब हैं, आप इनकी रिसर्च नोट्स देखें, आप अभी देखें इन्होंने कितनी जजमेंट्स निकालनी हुई हैं. जब पाकिस्तानी जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो इंडियन निकालनी हुई हैं, हांगकॉन्ग है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जजमेंट्स लेके आए हुए हैं. और जब आप इतनी तैयारी, इतनी पेपर बुक्स बना के जज के सामने जाते हैं तो जज के लिए भी आपका केस खारिज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इंटरिम रिलीफ तो आप ले ही लेते हैं टू हैव दैट केस डिसमिस्ड. अगर आप जज को 20 जजमेंट्स दे दें प्रेजेंट, बिकॉज जज, जिस तरह मैंने कहा, बहुत सी डिस्क्रेशनरी रिलीफ्स ओनली टर्न ऑन योर गुड प्रेजेंटेशन. आपने पेपर बुक बनाई हुई है, फ्लैग की हुई है, एज अपोज टू आपका अपोजिंग वकील है, वो जज को जजमेंट भी नहीं दे रहा, या दो जजेस बैठे में तो कह रहा है सर सॉरी मैं सिर्फ एक ही कॉपी लाया हूं. सो वहां पर ही उसका इंप्रेशन वर्सेस योर इंप्रेशन. और आज आपने इंटरिम रिलीफ लेनी है जज से, स्टे लेना है, उधर प्रॉपर्टी पे कब्जा होने लगा है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो यू सी हाउ यू प्रिपेयर इन सम अदर लेक्चर्स वन कैन ऑलवेज के हाउ यू प्रिपेयर पेपर बुक्स ऑफ केस लॉ, हाउ यू पेज नंबर दोज कैटलॉग्स. In every case, आप written arguments, skeleton arguments judges को दें. If you make their job easier, judges will give you the relief. If you make their job difficult, आप facts भी सही तरह नहीं बता सक रहे, तो फिर वो relief देने के आपको कोई mood में नहीं होते. So this is very important. There are two things that we must concentrate on. One is you must improve your drafting. और drafting के लिए एक important बात है अपनी अंग्रेजी improve करनी. अंग्रेजी improve करने के personally speaking मैंने 2-3 तरीके का सोचा. One is you must read the newspaper. 2-3 इंग्लिश के अखबार पढ़ें, जहाँ पर कोई मुश्किल वर्ड आता है उसको नोट करें, साथ ही गूगल करें, फ़ोन पे करें, इसका मतलब क्या है, किताबें पढ़ें. सो इफ़ यू कैन नॉट राइट वेल, ये अनफॉर्चुनेट बात है, हमारा सारा लॉ अंग्रेजी के अंदर है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट वेल, यू कैन नॉट बी अ गुड लॉयर. और अगर आप कहें यार हाँ मैं तो कर ही नहीं सकता, That doesn't mean, यहां से आज से इंप्रूव करना. एक टारगेट, अगर एक शॉर्ट टर्म गोल आपने सेटअप करना है वो ये है कि मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी. इफ यू कैन नॉट राइट वेल, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी, जो जज शाम को 8 बजे आपकी रात को पढ़ रहा है, सुबह से उसकी टफ लाइफ है, कहेगा यार ये क्या बकवास ड्राफ्ट है यार, देखते हैं सुबह जब वो आएगा. बट अगर आपने प्रॉपर एनेक्सेस बनाए हुए हैं, मार्क किया हुआ है, ग्राउंड सही लिखे हुए. मैं तो अब ये कहता हूँ अपने कॉलिग्स को, Gone are the days जब हम वो stereotype grounds बनाते थे कि this appeal suffers from misreading and non-reading of evidence. I just don't like it anymore. को 10 grounds तो same उठा लिए. Hit the nail on its head. Come up with your star point. चाहे 4 लाइनों का है, बताओ जी NX PW1 ने ये बात की है, cross में ये बात की है, sir this is my case. This is my ground one. वो 10 ground ही आज मैं देखता हूँ irrelevant बने होते हैं. This appeal suffers from misreading and non-reading of evidence. This lacks jurisdiction. I've been condemned unheard. The audi alteram partem पे कहीं से उठा के कुछ 6 paragraphs किसी पुरानी अपील से निकाले, जी अपील बन रही है, grounds बन रहे हैं. जज पढ़ते 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 आता है यार सब मेन बात किधर है. सो especially in the Supreme Court मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं come up with your star argument. If you can come up with your star argument, abhi, I won't name the judge. Abhi, last week I was before a Supreme Court. Unhone kaha, you have just 2 minutes. Mujhe baat bata de. Maine kaha, Your Lordship, if I can explain it to you in 2 minutes, can I get another 5 minutes? To unhone kaha, theek hai, we'll give you another 5 minutes.
सो द पेशेंस लेवल इज लो. आपने अनलेस आपका पॉइंट ऑन द पॉइंट नहीं है, आपकी ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है. और कई दफ़ा आपने भी देखा होगा, मेरे साथ खैर बहुत रेयर हुआ है, कि आप रोस्टर तक पहुंचे हैं तो जज साहब ने ऑर्डर डिक्टेट कराना शुरू कर दिया, आपकी फेवर में स्टे कर दिया, क्योंकि आपका ड्राफ्ट ही इतना अच्छा था. जहाँ पे ड्राफ्ट के साथ साथ अगर आपकी रिसर्च पूरी है, आपको 15-20 जजमेंट हैं जज को देकर आते हैं, हर पॉइंट पे आपने सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के टू द पॉइंट जजमेंट निकाली हुई है, तो बहुत मुश्किल है. यू नीड टू हैव अ रियली बैड केस टू लूज. सो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, और ये सारी चीज़ें मेहनत मांगती हैं, आसान काम क्या है, स्टेनो से ड्राफ्ट पकड़ा, स्टेनो ने ऊपर नीचे वाले नाम आगे पीछे किए, 5-7 ग्राउंड्स डाले, 1-2 बातें क्लाइंट से पूछी, पहुंच गए. जजमेंट कोई है ही नहीं आपके हाथ में. कई दफा तो ऐसे देखा है, जजेस गॉट, आई सीन जजेस बीइंग सो अनॉयड, वो जो केस है उसकी किताब ही नहीं है आपके पास उस दिन, तो फिर रिलीफ कैसे मिलेगी. वो जो प्रीएम्पशन का अगर दावा है तो प्रीएम्पशन की किताब ही नहीं है, लेट अलोन पढ़ी कहां से होगी. सर वो मैं आपको इम्प्यून्ड ऑर्डर के अंदर से वो रेलेवेंट सेक्शन दिखा देता हूँ. सो वहीं आपका इंप्रेशन खत्म हो गया. साथ सीपीसी नहीं है रेलेवेंट, 5-7 एक आधी एक्स्ट्रा किताब ले जाओ, कम नहीं होनी चाहिए आपके पास, उस वक्त क्या जरूरत पड़ जाए. सो दिस इज द हार्ट. इफ यू कैन डू दीज टू थिंग्स यू बिकम एन अमेजिंग लॉयर. आज जितने बड़े टॉप वकील हैं आप उनके देखें, उनकी रिसर्च देखें और उनकी ड्राफ्टिंग देखें, आपको वहां से पता लग जाता है हाँ यार ये बड़ा वकील क्यों है. और एक एवरेज वकील की आप रिसर्च देखें और ड्राफ्टिंग देखें, कोई दो पिटिशन उनकी रैंडमली उठा लें आपको पता लग जाएगा, कोई लीगल नोटिस उठा लें आपको पता लग जाएगा. अच्छा, अब लास्ट एस्पेक्ट इज देन हाउ डू यू आर्ग्यू योर केस. रिसर्च भी कर लिया है, ड्राफ्ट भी बड़ा जबरदस्त सेट कर लिया है, अब सबसे पहले यू नीड टू लुक द पार्ट. आपकी टाई नीचे है, यू डोंट हैव टू वेयर अ वर्साची सूट, नाइदर आई हैव वन, लेकिन कोई साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए आपके, टाई आपकी ऊपर तक होनी चाहिए, बटन मैन नजर आ रहा है ऊपर से, जूते पॉलिश होने चाहिए. अगर उधर ही आप इतने शबी हालात में फिर रहे हैं तो आपकी किस किस्म की आपकी वकालत है, जज भी ये बात नोट कर रहे होते हैं. सर्दियों में है तो आप गाउन के बगैर चले गए हैं. सो सबसे पहले तो हाँ, उसके बाद जब आप पूरा दिन ख्वार होकर आए हैं और अगर आपके जूते इतने ही ज़बरदस्त पॉलिश हैं तो मे बी यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट. लेकिन जब सुबह घर से निकलेंगे तो नहा के साफ सुथरे लगेंगे तो कोई थोड़ा सा वकील लगेंगे ना. पहले पार्ट तो ये है, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इम्प्रेशन दैट यू गिव टू द जज. जो मैंने देखा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, जो अभी थोड़ा सा उससे पहले कयूम साहब ने भी बात की थी, कि अगर आप कोई बहुत ज़बरदस्त हार्वी स्पेक्टर नहीं भी हैं, कोई बहुत कमाल डिबेटर नहीं भी थे, इफ़ यू कैन कवर दैट अप विद अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन. अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स अपने पता हैं और उधर आपको बहुत कमाल, यू डोंट स्वीप द जज ऑफ हिज फीट, दैट डजंट मैटर, दैट रेयरली हैपेंस. जिस तरह फिल्मों में होता है गोविंदा ने अपने आप को आग लगा ली और सब ने तालियां बजाई, वो हमारी अदालतों में इट्स वेरी वेरी रेयर. लेकिन अगर आप यू आर वेल प्रिपेयर्ड, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, प्रिपरेशन, जिस दिन केस तैयार नहीं होता, लेट हुए होते हैं, हमारी भी जान निकली होती है, जजेस कैन सेंस इट, बिकॉज उनका तजर्बा होता है कि यार ये आज तैयार नहीं है, आज इसकी टांगें कांप रही हैं. But once you are prepared, then that gives you a preparation, gives you a lot, at least it gives me a lot of confidence. Case aap jeete hain haarte hain, it doesn't matter. Fact sheet hai, note sheet hai, paper books hain. Judge aap se ek sawal puche, aap 6-6 jawab de rahe hain judge ko, to wahan se judge can sense it. Ki haan yaar ye banda prepared hai. Phir judge chahe aapko relief na bhi dena, to they will respect you for what you've done. In the eyes of the judges, you've become a slightly better lawyer. Hota kya hai? हम जब वकला बैठते हैं बार रूम्स में या आपस में, हम क्या बातें करते हैं? हम जजों की ही बातें करते हैं. उस जज ने ये कर दिया, उस जज ने ये कर दिया, उस जज ने उसके साथ ये कर दिया. व्हेन जजेस गो इनटू देयर टी रूम्स, तो उनके पास भी यही गपशप होती है. इस वजह से वी हैव टू बी ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू अ जज, टू वन हैज टू बी ऑलवेज बी, देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बीइंग परसिस्टेंट एंड बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. ऑफ कोर्स वी हैव टू बी परसिस्टेंट. ये ना हो कि जज ने पहला दबका ही मारा आपके, हाँ जी और लॉर्डशिप, आई बाउ बिफोर माई लॉर्ड्स विजडम एंड चलो जी खारिज, डिसमिस. यू आर्ग्यू योर केस, बट यू ऑल्सो हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, बिकॉज कई और इतनी चीज़ें भी हैं. खास तौर पर जिस वक्त मेरा केस खारिज होता है ना, तो आप जज ये भी नोट कर रहा होता है कि आप दरवाजे से बाहर कैसे निकले. अगर आपने सर झुका के निकले हैं या दरवाजा मार के निकले हैं, दे नोट दैट. एंड आपने ये देखना है यार, क्लाइंट किसी का सगा नहीं होता. आई हैव वन सो मैनी केसेज और क्लाइंट दोबारा मिठाई देने नहीं आया.
एंड आई हैव लॉस्ट केसेस जो क्लाइंट 10-10 दफ़ा दोबारा आए, ये तो अल्लाह ताला राज़िक है हमें तो, लेकिन वी कैन, आवर रेपूटेशन इज़ एट स्टेक एज फार एज, जो क्यूम साहब भी बात कर रहे थे कि कुर्सियाँ मार दी, ताले लगा दिए, आपके ख्याल से जजेस को ही नहीं पता, एक दफ़ा कुर्सियाँ मारी, एक दफ़ा ताले लगाए हैं, तो कल को आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आएगी तो आपकी फाइल में ये बात नहीं आएगी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहीं भी ये दोबारा कंसिडर नहीं होगी बात के वकील इस तरह का है, वो पुराने दौर थे जो जॉक है ऊंची आवाज मारी, दबका मारा, कौन सा हाईकोर्ट का जज है जिसको आप दबका मार सकते हैं, ऊंची आवाज में इंटिमिडेट कर सकते हैं और फिर आप उसे रिलीफ ले जाएं, वो जज दाजी ऐसी दी तैसी कर देती, फलाना कर देता, मैंने तो नहीं आज तक देखा कि किसी ने आके जज के साथ इतनी बदतमीजी की और वो रिलीफ ही ले गया मैक्सिमम ये, सो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू अ जज, बट दैट डजंट मीन के यू कैन लेट द जज इंटिमिडेट यू, यू हैव टू पुट योर केस अक्रॉस, यू हैव टू बी प्रसिस्टेंट, सारी बात सुना कर आए, कई दफ़ा अगर आपको ये लगता है, मुझे लगता है कि जज मेरी बात ही नहीं लिखेगा, तो मैं रिटन आर्ग्यूमेंट्स फाइल कर देता हूँ अपने, देर आर सो मेनी वेज कि आप फिर जज, आई वी पुट इमेंस प्रेशर ऑन अ जज कि सर दीज आर द रिटन आर्ग्यूमेंट्स दैट आई एम फाइलिंग बिफोर यू, अब आप बताएं, अब मैं सुप्रीम कोर्ट को जाके कह सकता हूँ कि दीज आर द 15 केस लॉज दैट आई मेंशनड, the honorable single judge did not even look at one, did not even consider one judgment, let alone distinguish them. और फिर आपको क्या पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न करता है किसी हाई कोर्ट की जजमेंट, तो वो इनको भी पहुंचती है, इनका भी एक सिस्टम है, नॉट मोस्ट, अभी जो एक ऑडियो भी रिलीज हुई थी जुडिशियल कमीशन की, उसमें पता लगा कि इनके इनके परसेंटेजेस हैं कि कितनी जजमेंट्स ओवररूल होती हैं, सो नो जज वुड वॉन्ट इट्स केस टू बी ओवरटर्न फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और अगर कोई कर देता है गलत तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से ओवरटर्न कराएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हमारी बात सुनता और कई दफा हमारा केस सही भी होता नहीं होती, देन वी हैव टू बाउ बिफोर द विजडम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दे आर द लास्ट कोर्ट, और अपील मैकेनिज्म, तो हमारी 90% लड़ाइयां तो हो ही सिविल कोर्ट में जाती हैं, सिविल जज कर देता है खिलाफ तो कोई बात नहीं यार, उसकी अपील कर दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कर दो वहां से हाई कोर्ट कर दो, ओवरटर्न करा लो, को बहुत आप इफ यू फील सो पैशनेट अबाउट अ केस, तो क्लाइंट को मैं मुफ्त कर देता हूं, आई एम नाउ इस किस्म में आई एम पर्सनल बिकॉज ये पॉइंट ऑफ लॉ गलत एस्टैब्लिश हो गया, सो एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई हैव सीन इज व्हेन यू आर ऑन द रोस्टर एंड यू आर आर्ग्यूइंग यू शुड नेवर क्रॉस टॉक विद योर अपोजिंग वकील, हम वकील भाई हैं, बहने हैं, हमने इधर ही रहना है, क्यूम साहब और मेरे कोई 10 केस हम अपोजिंग काउंसिल्स हैं, 10 हम इकट्ठे काउंसिल्स हैं, हमने, मैं केस इनसे हारूंगा भी तो इनसे ही चाय पीऊंगा मैं जाकर, एक सर्टेन लिमिट तक हमने अपना केस आर्ग्यू करना है, उसके बाद जाती हमारे केसेस नहीं है, जाती मेरा केस हो तो शायद मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा सर ये ना ही करें मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी का केस, वो भी इनकी मर्जी, अगर मेरे दोस्त हों शी शुड बी डूइंग दैट केस टू, लेकिन रोस्टर के ऊपर झगड़ा एक क्लाइंट के लिए, एक दूसरे के साथ बदतमीजी, जज के साथ झगड़ा, जज के साथ नहीं, आपस में भी नहीं करना, और जितने मैंने टॉप लॉयर्स देखे हैं वो आपस में दोस्त हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं, और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो ये जो हमने देखा है कि एक दूसरे के गरेबान पकड़ लेने, लड़ाइयाँ कर लेनी क्रिमिनल साइड पर ज़्यादा होता है, दैट शुड नेवर हैपन, जज आपसे सवाल पूछे, कई दफ़ा मैंने देखा आप बीच में जज को ना टोकें, सो योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी देयर, सो और एट टाइम्स आप कोशिश ये करते हैं यार मैं सारे अंग्रेजी में बहस कर लूँ, शायद जज इंटिमिडेट हो जाएगा, जज को समझ ही नहीं आ रही आपकी अंग्रेजी, आई पर्सनली स्पीकिंग हम पाकिस्तानी हैं, ऑल ऑफ अस हमारी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी बायलिंगुअल, दैट्स वन ऑफ माई, दैट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज फॉलो, कि खाली अंग्रेजी में करते जाओ जज को समझ ही ना आ रही हो, आपकी भी अंग्रेजी गलत, जज की भी अंग्रेजी थोड़ी आगे पीछे, बात ही नहीं क्रॉस हुई, सो यू हैव टू पुट द पॉइंट अक्रॉस whichever best way you think you can put it across, you, if you can put it across in Urdu, that's fine, if you can put it across in English, that's fine, but you have to make sure ki judge ko samajh aa rahi hai, ek choti si baat, for example some judges, aur ye Qayyum sahab ne to hame bahut pehle baat sikhayi thi, head notes nahi padne, so if you have to refer a judgment, read it from the relevant paragraph, sara impression aapka kharab ho jata hai, aap head notes se padhna shuru karte hain, wo beech mein se dikhaye, to लास्ट ये ऑलरेडी हमने बात डिस्कस कर ली थी कि यार हाउ डू आर्ग्यू के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, व्हेन योर केस इज डिसमिस्ड हाउ डू यू रिएक्ट देन, वो हमने डिस्कस करी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज या तो आपने समझना है कि मेरी जिंदगी का आखिरी केस है तो दैट्स अनदर बॉल गेम,
बट जितना मर्जी इंपॉर्टेंट केस हो, व्हेन योर केस इज डिसमिस्ड देयर हैज टू बी अ प्रोटोकॉल दैट यू मस्ट फॉलो एंड यू मस्ट नॉट लूज हार्ट. समटाइम्स यू विन केसेस, समटाइम्स यू लूज केसेस. एक सीनियर वकील से मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा सर आप व्हाट्स योर विनिंग परसेंटेज, उन्होंने कहा माय विनिंग परसेंटेज इज वेरी लो. मैंने कहा आप तो इतने बड़े वकील हैं, हाउ व्हाई इज इट लो? कहते मेरे पास आते ही मुश्किल केस हैं, कोई आसान केस, छोटे मोटे केसेस होते हैं, आराम से जीत जाने होते तो मैं दे देंगे, जब पास जाते हैं कोई बात नहीं बनती, कंकरेंट फाइंडिंग्स हैं तो मेरे पास आ जाते हैं. सो इफ आई कैन इवन विन 10% ऑफ दोज केसेस तो बड़ी बात होती है. जजेस जो हैं और आपके कॉलीग्स जो हैं वो इस बात से कभी इंप्रेस नहीं हुए कि आप एक केस जीत गए हैं, वो इस बात से इंप्रेस हुए कि आपने एक मुश्किल हारे हुए केस में भी कितनी परसिस्टेंस दिखाई है, कितनी मेहनत की है, कितनी रिसर्च की है. और वो जाके अपने 10 जजेस को बताते हैं कि यार बड़ा इसने आज काम किया था लेकिन हमने इसको रिलीफ नहीं दी. वो 10 जजेस भी सिंपथाइज करते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम के लिए, एज अपोज टू जाके कहते हैं कि जी हमने जज की ऐसी की तैसी फेर दी तो उसके बाद आपके करियर की भी ऐसी की तैसी फिर जाएगी. तो लास्ट एस्पेक्ट ये हमने ना दफ्तर में भी मैंने अपने लिख के ना लगाया हुआ है बड़ा सा ये हेडिंग, नेवर लेट अ विन गेट टू योर हेड और अ लॉस टू योर हार्ट. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. वकालत हमारा बड़ा मुश्किल काम है. अभी भी सुबह अर्जेंट लगा होता है, हजारवीं दफा मैंने कोई पिटिशन शायद फाइल ली हो, गाड़ी चलाते हुए बंदा सोचता जा रहा होता है यार पहला वर्ड क्या कहना है, ये क्या कहना है. रात को ख्वाब में भी वो जज साहब आ रहे होते हैं, कई सख्त जज के पास जब अर्जेंट में लग जाता है केस, जान पहली निकल जाती है आधी कि यार यहाँ तो लिमिनी में खारिज हो गया तो बड़ा मुश्किल है, कम अज़ कम इज्जत रह जाए, नोटिस हो जाए, स्टे ना मिले. तो प्रेशर होता है, आप रात को फैमिली के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो आई एम ट्राइंग टू हैंडल के हाउ डू यू कोप विद दैट प्रेशर. फॉर इंस्टेंस एस एन भून साहब हैं, आई एम एक्सट्रीमली अमंगस्ट अदर थिंग्स मैं उनसे जो इम्प्रेस हूँ, ही इज ऑलवेज वेरी ही ऑलवेज हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस. वो खारिज भी होके आया तो लाइक यार टेंशन कोई नहीं है, एक्सेप्ट भी होके आया तो उतना ही खुशी है, ज़्यादा खुशी भी नहीं है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं. सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू फॉलो, कि मैं भी आज अगर केस हार जाऊँ तो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड. लेकिन केस है, किस्मत है, इफ़ यू हैव गिवन इट योर बेस्ट एंड इफ यू हैव डन इट ऑनेस्टली तो बस पर यही होना था. और अगर अल्लाह ताला ने और क्लाइंट भेजने हैं तो आ जाएंगे, और अल्लाह ताला ने अगर नहीं भेजने तो जो मर्जी कर लो नहीं आएंगे. सो दिस इज अबाउट इट एंड होप यू ऑल विल डू वेल एंड वी विल सी ईच अदर इन कोर्ट्स इंशाल्लाह. आपको हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि ना सिर्फ हम यहाँ पे जिन साहिबान को बुलवाते हैं उनको इसलिए बुलवाते हैं कि वो आपको लेक्चर दें, बल्कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर भी आपके सामने बिठाते हैं. हारिस भाई की आपने बीच में देखा जिस अंदाज में उर्दू में जितने कंफर्टेबल थे उतने ही अंग्रेज़ी में कंफर्टेबल हैं, बल्कि आपने ये भी देखा कहीं ज़ुबान हकलाई नहीं, आपने ये भी देखा कोई अग्रेशन नहीं, आपने ये भी देखा लॉजिकली बात की, आपने ये भी देखा प्रैक्टिकल बात की, आपने ये भी देखा कि ये किस आपको एक टेस्ट मिल गया कि कोर्ट में भी किस अंदाज के अंदर ये करते होंगे. इन्होंने सारे के सारे अपने सीक्रेट्स आपके सामने रख दिए और जिस तरीके से ये करते हैं इनके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. और दूसरा अब एंड में मैं यही कहूँगा कि बी लाइक हारिस अजमत अगर आपने इस प्रोफेशन में. थैंक यू सर.